just wanted to clear some air about what happened with Mr. Fighter, who always fights with all his colleagues. मिस्टर फाइटर कहते हुए बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर पर श्रीशांत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। It doesn't even respect this on senior players also, including Veerubhai. लीजेंड क्रिकेट मैच के दौरान गौतम गंभीर और श्रीशांत का पंगा हो गया, जिसके बाद वीडियो जारी करते हुए श्रीशांत ने कहा कि गंभीर ने मैच के दौरान ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिससे मैं और मेरा परिवार आहत महसूस कर रहे हैं। What Mr. Gowdy has done is the words which he used and the things he said on a cricket field live is not acceptable. Just want to say I am very hurt and my family is hurt, my dear ones are hurt. श्रीशांत ने कहा कि जन प्रतिनिधि होने का क्या फायदा जब आप अपने साथी खिलाड़ियों का ही सम्मान नहीं करते। What's the point of representing people if you don't respect your own colleagues? That's the man there. श्रीशांत ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर हमेशा किसी न किसी से लड़ते रहते हैं और जब मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोले तो उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल क्यों किए जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। Just want to say, I haven't used a single bad word or a single abuse, nothing. He just kept on saying words which he always does. श्रीशांत ने विराट कोहली के साथ गंभीर के पंगे का भी जिक्र किया और कहा कि गौतम गंभीर सबके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। Even in live broadcasting when he's asked about Virat, he never speaks about him, he speaks about something else. श्रीशांत ने जब गौतम गंभीर पर अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया तो गौतम गंभीर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जवाब दिया और कहा, मुस्कुराइए जब दुनिया अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करती है। आप गौतम गंभीर पर श्रीशांत के ऐसे आरोप लगाने को लेकर क्या सोचते हैं, जहां गौतम गंभीर को श्रीशांत कहते हैं कि जन प्रतिनिधि होने का क्या फायदा जब साथी खिलाड़ियों का ही सम्मान नहीं करते। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।